हरियाणा के कैथल में युवक को पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर ठगने का मामला सामने आया। युवक को आरोपियों ने पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने युवक के पिता की शिकायत के आधार पर दो महिलाओं समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें एक आरोपी की मौत हो चुकी है। इसी के साथ पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, एक मामला दर्ज किया गया है 9 लाख रुपए पुलिस में लगाने के नाम पर, क्या कुछ मामला है, किन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है? सर, एक SP ऑफिस से हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा कैथल ने की थी, जिसमें जो कंप्लेनेंट था दयानंद कोटड़ावासी, उसकी शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें 2 महिलाएं हैं 2 पुरुष हैं, उनके खिलाफ पुलिस भर्ती के नाम पर 9 लाख रुपए लेने के बारे मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सर, किन किन के ऊपर जो मामला दर्ज किया, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? सर, इसमें 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, जिसमें सोमनाथ पुत्र जिले सिंह वासी कोटड़ा, कविता वाइफ ऑफ सोमनाथ वासी कोटड़ा, संजय जागलान वासी ऋषि कॉलोनी कैथल और अंजू जागलान वाइफ ऑफ संजय जागलान ऋषि कॉलोनी कैथल, जिसमें से एक आरोपी संजय जागलान की मृत्यु हो चुकी है। तो अभी तक किसी को गिरफ्तार? सर, नहीं, अभी जांच जारी है।